वेलकम टू द्विवेदी अकेडमी। आप सभी लोगों का द्विवेदी अकेडमी बहुत स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अभी प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। प्रोटेक्टिव टिश्यू में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं अभी, उन वीडियोस में मैं ये चाहता हूँ कि आप उन वीडियोस को दोबारा देख करके रिवाइज करें। अब ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा दिमाग जो होता है, जो भी हम याद करते हैं उसे एक बार में याद नहीं कर पाता। अगर आप जैसे कि दो बार देखेंगे वीडियो को तो वो चीज़ आपको ड्वेल टाइम जो है रिवाइज हो जाएगी। तो जरूरी होता है कि हम जैसी चीज़ मान लो कि एक बार पढ़ लें तो उसको सुबह के टाइम में रिवाइज करना बहुत जरूरी होता है। उसकी वजह क्या है, अगर हम सुबह रिवाइज करेंगे तो रिवाइज करने से वो चीज़ हमें अच्छे से लर्न हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद उसे जरूर ही दोबारा रिवाइज करने के लिए देखें और साथ में वीडियो के नीचे कमेंट जरूर छोड़ें। जो भी तुम्हें एहसास हो रहा है, जैसे मान लो कि वीडियोस के अंदर कोई चीज टॉपिक सही से नहीं समझ में आया, तो अगर आप जो है कमेंट में बोलेंगे तो मैं उस टॉपिक को दोबारा आपको अच्छे से समझाने के लिए वीडियो बना दूंगा। पर आप कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा क्या है कि हमें एनकरेजमेंट नहीं मिलेगा और साथ में मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये काम जो कर रहा हूँ इसका कोई मायने नहीं, इस काम को मेरे कोई पसंद नहीं कर रहा। तो मैं खुद के लिए ये सब वर्क नहीं कर रहा, आप लोगों को पता है, आप लोगों को ये भी पता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपका भी भला है और मेरा भी भला है। तो जरूरी है कि हम लोग एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आप मुझे सिर्फ इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, मेरी वीडियोज़ को शेयर करके और मेरी वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके। देखो, लाइक और कमेंट जब आप करते हो वीडियो के नीचे तो उससे क्या होता है कि हमें एक एनकरेजमेंट मिलता है कि आप कुछ रिएक्शन दे रहे हो, आप वीडियो को पसंद कर रहे हो या नहीं कर रहे, यार आपको कोई प्रॉब्लम आ रही। तो वीडियो क्वालिटी को मैं और अच्छे करने की कोशिश करूंगा और टॉपिक्स को अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। तो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी अच्छा लगा वो सब आपको लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव सेल्स के बारे में। पढ़ने से पहले सबसे पहले आप मुस्कुरा दीजिए, नो टेंशन, पहले तो रिलैक्स हो जाइए पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारा रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सारी चिंता भूल जाओ, जो भी तुम्हारे स्कूल, फैमिली, परिवार, जो भी ये तुम्हारे चारों तरफ दोस्तों की समस्या, सब भूल करके सिर्फ ध्यान देना है पढ़ने पर। ठीक है, तो पढ़ते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में। दरअसल ये प्रोटेक्टिव टिश्यू जो है ये एक तरीके से सुरक्षा करने वाले टिश्यू है, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं। तो देखा जाए, दीज टिश्यू आर मेनली, मेनली का मतलब होता है मुख्य रूप से, प्रेजेंट इन द आउटर पेरिफेरल रीजन ऑफ द रूट। जैसे जड़ होती है तो जड़ का जो आउटर पेरिफेरल रीजन है, पेरिफेरल रीजन का मतलब होता है जैसे ये आपकी जड़ हो गई, मैंने ऐसी बना दे रहा हूं अभी, ये आपकी जड़ है। अब जड़ का जो आउटर एरिया है, आउटर माने बाहर की जो परत है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं, बाहरी जो परत है ना, आउटर लेयर है, उसमें ये पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं आपके, प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो अब बाहर ही क्यों पाए जाते हैं, बाहर इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि बाहर से ही बहुत सारी चीजें, जैसे वायरस का अटैक है, केमिकल अटैक है, और साथ में तुम्हारे आपका जो क्या होता है कि बाहर से हिट भी कर देता है, कोई चोट वोट पहुंचा देता है प्लांट को, तो उनसे सुरक्षा पाने के लिए प्रोटेक्टिव टिश्यू पेरिफेरल रीजन में पाए जाते हैं, परिधि वाले रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो स्टेम्स, लीव एंड द फ्लावर, तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रूट में पाए जाते हैं, स्टेम मतलब तने में पाए जाते हैं, लीव्स पत्तियों में पाए जाते हैं, फ्लावर फूल में पाए जाते हैं, ईटीसी का मतलब इत्यादि और अन्य पार्टों में भी पाए जाते हैं। तो अब बात आती है एंड सर्व, अब किस तरह से काम करते हैं, एंड सर्व टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और किस तरीके से ये काम करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, किसको, प्लांट को, टू अंडरलाइंग टिश्यू, अब किसको सुरक्षा प्रदान करते हैं, अंडरलाइंग टिश्यू, अंडरलाइंग मतलब होता है जो अंदर है, इनके नीचे जो टिश्यू, जैसे मान लो इनके ऊपर से लेयर बन जाती है तो इसके नीचे जो लेयर होती है वो कम, वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं, उनकी सुरक्षा करने का काम होता है किसका, प्रोटेक्टिव टिश्यू का। इसका काम होता है, ये प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम होता है कि अंदर उनसे जो अंदर की लेयर के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उन सॉफ्ट टिश्यू की सुरक्षा करने का काम किसका होता है, प्रोटेक्टिव टिश्यू का काम होता है। तो इंपोर्टेंट प्रोटेक्टिव टिश्यू आर, अब जो महत्वपूर्ण प्रोटेक्टिव टिश्यू है वो कौन से हैं आपके, एक तो है आपका एपिडर्मिस, ठीक है, और दूसरा है आपका कॉर्क। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एक एपिडर्मिस के बारे में और किसके बारे में पढ़ने हैं, हम पढ़ने वाले हैं कॉर्क के बारे में। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में सीखते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट ऑर्गेन्स, जैसे प्लांट के जो ऑर्गेन होते हैं उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है।
आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहरी लेयर होती है प्लांट के ऑर्गेन की, क्या होती है सबसे बाहरी लेयर बनती है एपिडर्मिस से। तो कहने का मतलब है जो एपिडर्मिस होता है वो प्लांट की सबसे आउटर लेयर को बनाता है। एपिडर्मिस फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लेयर ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। एपिडर्मिस जो होते हैं फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लेयर, एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं। कॉन्टिन्यूअस लेयर का मतलब होता है लगातार, जैसे यहां से लेयर बनाएंगे एकदम समान रूप से लेयर बनाएंगे, जैसे कि हमने कोई कपड़ा लिया तो कपड़ा एक लेयर की तरह फैल जाता है ना, उसी तरीके से कंटिन्यूअस लेयर बनाते हैं, मतलब बीच में टूटी फूटी नहीं होती है। एपिडर्मिस फॉर्म द कंटिन्यूअस लेयर ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो एरियल पार्ट जो होता है, अब यहाँ पर देखो ये आपका ए बाहर जो है इसके चारों तरफ क्या एयर है, तो एयर एरियल जो पार्ट है उसके ऊपर एक लेयर बना देता है, ठीक है। तो एयर में जो एक्सपोज होने वाला पार्ट, एयर में यही वाला हिस्सा तो खुला रहेगा प्लांट की जड़ का, तो इसी को सुरक्षा देने के लिए लेयर बनाता है कौन, एपिडर्मिस। अब आता है एपिडर्मिस प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू इंटरनल टिश्यू। एपिडर्मिस जो होता है वो प्रोटेक्शन आखिर किसको प्रोवाइड कराता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है इंटरनल टिश्यू। इंटरनल टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है अंदर, इसकी लेयर के अंदर जो टिश्यू पाए जाते हैं। एपिडर्मिस जैसे ऊपर हो गया, ऊपर उसके नीचे जो लेयर पाई जाती है, जैसे एक लेयर ये हो गई ठीक है, और दूसरी लेयर ठीक इसके नीचे होगी, तो इस लेयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है कौन, प्रोवाइड कराता है एपिडर्मिस टिश्यू। एपिडर्मिस ऑफ द रूट कंटेन द मैनी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। एपिडर्मिस होता है वो कई हेयर जैसी स्ट्रक्चर अपने अंदर समा के रखता है, बहुत सारी हेयर जैसी स्ट्रक्चर होती है, कॉल्ड द रूट हेयर, इनको रूट हेयर कहते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर रूट के अंदर से छोटी छोटी बाल टाइप के निकल आते हैं, अगर आपने कभी जड़ देखी हो तो आपको पता होगा। तो ये रूट की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्यों होती है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसलिए होती है क्योंकि एपिडर्मिस के अंदर ये पाई जाती है। एपिडर्मिस इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को अंदर रखता है, अपने अंदर से उनका निर्माण कर देता है। एपिडर्मिस ऑफ द स्टेम आर अ ग्रीन। एपिडर्मिस होते हैं, स्टेम माने तने के जो स्टीप एपिडर्मिस होते हैं वो ग्रीन होते हैं एंड प्रोटेक्टिव इन द नेचर। और नेचर इनका कैसा होता है, प्रोटेक्टिव होता है, मतलब सुरक्षा करने का इनका नेचर होता है। इन ओल्डर स्टेम, जैसे कि मान लो बहुत ही पुरानी स्टेम हो जाए तना, जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका तना काफी पुराना हो जाता है। इन ओल्डर स्टेम इट गेट रैप्चर्ड। हमने देखा है जगह जगह ये फट जाती है, जैसे प्लांट की तुमने छाल अगर देखी हो, जैसे बड़े बड़े आम का पौधा है, इधर नीम का पौधा है, तो ऊपर की जो लेयर होती है उसमें बहुत सारे आप देखोगे दरारें पाई जाती हैं। गौर से देखना, और ज्यादा गौर से भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो साफ दिखाई देता है। यहां लिखा हुआ है आपका ड्यू टू, तो कह रहा है रैप्चर ड्यू टू द इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ द प्लांट। अब मोटाई जब बढ़ती है प्लांट की तो फिर वो फट जाती है, जो ऊपर की लेयर होती है एपिडर्मिस की फट जाती है और नीचे से फिर दोबारा नई एपिडर्मिस की लेयर बन जाती है। इन प्लांट विच आर द फाउंड इन द ड्राई क्लाइमेट द एपिडर्मिस बिकम द वेरी थिक। ऐसे प्लांट जो कि ड्राई एरिया में रहते हैं, सूखे एरिया या फिर रेगिस्तान वगैरह एरिया में जहाँ पानी की कमी है, ऐसे प्लांट के ऊपर जो एपिडर्मिस की लेयर होती है बहुत ज़्यादा मोटी होती है, ठीक है। तो अभी हमने सीखा किसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में, अभी हमें और भी सीखना है इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए मेरे साथ में। और अभी आपको मैं कुछ बर्ड मीनिंग बताऊंगा जो आपको शायद प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि वो बर्ड मीनिंग आते हैं तो आप वीडियो को यूट्यूब पे स्किप करना जानते ही हैं, तो स्किप करके आगे भी जा सकते हैं और टॉपिक को पढ़ सकते हैं आगे का टॉपिक। ऐसा नहीं है कि वीडियो बर्ड मीनिंग आपको आ रहे हो मैं बताने लगा तो आप वीडियोज को पूरा देखने से अपने आप को रोक दो, सोचो कि शायद मैं बर्ड मीनिंग ही पूरी वीडियो में पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है। बर्ड मीनिंग ज़्यादा ज़्यादा एक या 30 या 40 मतलब सेकंड में या लगभग 1 मिनट में पूरे हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बर्ड मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में फिर नया टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी एपिडर्मिस को आपने जाना है, अभी आपको कॉर्क के बारे में भी जानना है, और कॉर्क और एपिडर्मिस आपको पता होना चाहिए प्रोटेक्टिव टिश्यू के क्या है, ये पार्ट है। तो चलते हैं वीडियो देखते हैं आगे। तो अब हमारे पास में है कुछ बर्ड मीनिंग आप लोगों को बताने के लिए, तो वो बर्ड मीनिंग क्या है, सबसे पहले पेरिफेरल। पेरिफेरल का मतलब होता है परिधीय, मतलब जो परिधि, अब परिधि क्या होता है, आप जो लेयर होती है ना बाहरी लेयर होती है उसे परिधि कहते हैं। अच्छा मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, जैसे हमारी ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर जो स्किन है हमारी वो बाहरी लेयर है ना, आउटर लेयर है, उसे हिंदी में पढ़ते हैं परिधीय और इंग्लिश में पढ़ते हैं पेरिफेरल। तो ये पेरिफेरल रीजन कहलाएगा, तो स्किन हमारी जो है पेरिफेरल रीजन
में पाई जाती है और स्किन के नीचे और भी लेयर हैं। तो हमारी जो बॉडी के अंदर प्रोडक्शन कौन करता है, हमारी स्किन करती है। प्लांट के अंदर प्रोडक्शन करता है प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो सबसे पहले टाइप जो है उसका इपिडर्मिस है, ठीक है। तो इपिडर्मिस जो है वो कहाँ पाया जाता है, यहाँ परिधि पर पाया जाता है, बाहरी लेयर में पाया जाता है। दूसरी बात, अंडरलाइन टिश्यू, नीचे मौजूद ऊतक। अब मान लो कि इस स्किन के अंदर जो नीचे जो मौजूद ऊतक होंगे उनकी सुरक्षा कौन करेगा, स्किन कर रही है। इसी तरीके से प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होते हैं उनके नीचे मौजूद टिश्यू की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। अच्छा, कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूअस लेयर, मतलब सतसत परत। सतसत परत का मतलब हो गया लगातार हमारी स्किन जो कहीं फटी वगैरह तो है नहीं, एकदम से हमारी स्किन जो है एक लेयर में है। इसी तरीके से ये एपिडर्मिस बनाते हैं, एक सतसत लेयर बनाते हैं, बाद में ये टूट जाती है जब स्टेम मोटा होता है, चौड़ा होता है। हमारी बॉडी इतना चौड़ी मोटी होती है तो हमारी स्किन दरअसल क्या होती है कि अपने आप बढ़ जाती है, उसमें और सेल्स आ जाती हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। वो ऊतक क्या होता है कि एक बार बन गए, फिर बनने के बाद में अपने के लिए फिर और ज्यादा बढ़ाते नहीं अपने आप को, और नई सेल्स उसमें नहीं बनती है, मल्टी डिवीजन नहीं होता सेल का, इस वजह से फिर वो फट जाती है लेयर, फिर नई लेयर आती है नीचे से, ठीक है। तो उस नई लेयर की वजह से हमने देखा हुआ है कि जो प्लांट होता है, नीव का प्लांट होता है, और आपका जो दूसरा आपका जैसे मैंने बताया मैंगो का प्लांट है, ठीक है। तो इन प्लांट की जो ऊपर स्किन होती है उसमें देखा होगा टुकड़े टुकड़े से लगे होते हैं ऊपर, और साथ में नीचे लेयर ऐसा नहीं होती है कि पूरी फटी हुई है, नीचे बंद होती है, हार्ड लेयर से ही बंद होती है। आपको जो है इस वीडियो के अंदर मैं फाइड से हो जा रहा हूं, तो यहां पर आप ये देख पा रहे होंगे फोटो आ रहा है इसका, तो इस फोटो में आप देख सकते हैं कि यहां पर इसका जो तना दिया है, प्लांट का जो तना है, तो उसमें देखो किस तरीके से ऊपर जो है फटी हुई है लेयर, ठीक है। और दूसरी, अब अगला बर्ड मीनिंग है हमारे पास में हेयर लाइक स्ट्रक्चर, बाल जैसी संरचना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, बाल जैसी संरचना। रैप्चर्ड का मतलब होता है फट जाना। ड्यू टू मतलब होता है की वजह से या के कारण। ड्यू टू का मतलब होता है कि कारण, ठीक है, जो आप ध्यान रखेंगे। अब है प्रोटेक्शन का मतलब होता है सुरक्षा। आउटर मोस्ट लेयर, बाहरी बाहर वाली लेयर, परत। लेयर का मतलब होता है परत, ठीक है। तो ये रहे आपके बर्ड मीनिंग। अभी हम इसी वीडियो के अंदर और भी चीजें पढ़नी है, तो बने रहिए इस वीडियो में और पढ़ते हैं आगे का टॉपिक। तो अभी जो कुछ और है थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए इसी टॉपिक के अंदर, एपिडर्मिस के अंदर, अभी हमने टॉपिक बदला नहीं है, एपिडर्मिस के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं। तो द एपिडर्मिस ऑफ द लेब इज नॉट कंटिन्यूअस। पत्ती जो होती है उनका एपिडर्मिस जो लेयर होती है, बाहर की जो लेयर होती है, पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं होती, सतसत नहीं होती, बीच में कुछ छेद पाए जाते हैं। इट इज परफोरेटेड बाई वेरी स्मॉल अपर्चर कॉल्ड द स्टोमेटा। दरअसल क्या होता है, इसमें बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं। परफोरेटेड का मतलब होता है छिद्रित होती है, छेददार होती है। बाई वेरी स्मॉल अपर्चर, अपर्चर्स का मतलब होता है ओपनिंग या फिर छेद। कॉल्ड द स्टोमेटा, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं पत्तियों के अंदर स्टोमेटा पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिनसे होकर के पत्तियां क्या लेती हैं बेटा, सांस लेती हैं। तो ये सांस लेती हैं जो पत्तियां, वो स्टोमेटा किसके अंदर पाए जाते हैं, इपिडर्मिस टिश्यू के अंदर ही पाए जाते हैं। फिर आगे, ईच स्टोमेटा कंजिस्ट ऑफ द टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल। दरअसल क्या होता है, हर एक स्टोमेटा जो होता है कंजिस्ट किडनी शेप्ड गार्ड सेल, किडनी जैसी संरचना की गार्ड सेल अपने अंदर वो रखता है। गार्ड सेल जो होती है आपकी आर सराउंडेड बाय मेनी एसेसरी सेल्स। गार्ड सेल्स के चारों तरफ ही बहुत सी छोटी छोटी एसेसरी सेल्स होती हैं, उनकी मदद करने वाली एसेसरी सेल्स होती है। जैसे हमारा कंप्यूटर है, तो हमारे कंप्यूटर की एसेसरी जो कंप्यूटर में कंप्यूटर को फंक्शन करने मदद करती है, जैसे कि पेन ड्राइव है, डाटा केबल है, चार्जर है, तो ये क्या है, ये कंप्यूटर की एसेसरी कहलाती है। ऐसे यहाँ पर गार्ड सेल की भी कई और सेल होती हैं जो एसेसरी की तरह काम करती हैं, और वो हम कह सकते हैं गार्ड सेल की एसेसरी सेल्स होती हैं। आगे बढ़ते हैं, थ्रू द स्टोमेटा, स्टोमेटा से होकर के एक्सचेंज ऑफ द गैसेस बिटवीन द एटमोस्फियर एंड द लीफ द टेक प्लेस। तो थ्रू द स्टोमेटा से होकर के एक्सचेंज ऑफ द गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन द एटमोस्फियर में, किसमें होता है, वातावरण में, एंड लीव्स टेक द प्लेस, पत्तियों के बीच में और वातावरण के बीच में जो एयर का रेफ्रिजरेशन होता है, गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैस का लेना देना जो होता है, आदान प्रदान जो होता है गैस का, वो किसके थ्रू होता है, आपका स्टोमेटा के थ्रू होता है।
कुछ एक बात है नोट में जो आपको थोड़ा समझानी है, उसे आप नोट में ही लिखें। फॉर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, अभी इपिडर्मिस को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, इपिडर्मिस इज कवर्ड विद द कटिन, किससे ढका होता है, कटिन से या क्यूटाइल, या इसको दरअसल कटिन जो क्यूटाइल होता है थिक वाटर प्रूफ वैक्सी कोटिंग होती है, एक तरीके से मोम जैसी कोटिंग होती है जो इससे जब पानी में, जैसे पानी वाले जो प्लांट है, वाटर में रहने वाले जो प्लांट है, कोटिक जो प्लांट है, जैसे कि आपका लोटस है, गुलाब है, तो गुलाब की पत्तियों के ऊपर वो पानी के संपर्क में खराब ना हो जाए, उनके ऊपर से वो एक लेयर चढ़ी होती है, वैक्सी लेयर चढ़ी होती है जो इसी इपिडर्मिस टिश्यू को पानी से सुरक्षा प्रदान करती है वो लेयर। तो ये इपिडर्मिस भी किसी की सुरक्षा करते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए भी कोई चीज है, तो वो क्या है आपका कटिन है, या फिर वाटरप्रूफ वैक्सी कोटिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इपिडर्मिस के बारे में जो हमने कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद में कॉर्क के बारे में। ठीक है, तो इपिडर्मिस का टॉपिक जो है खत्म हुआ, के बारे कॉर्क में के हमने बारे में पढ़ हम लिया। लोग, फर्स्ट टाइप जो था इपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट टाइप था इपिडर्मिस, वो हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप जो है आपका क्या, कॉर्क। तो अब हम पढ़ने वाले यहाँ पर कॉर्क के बारे में, तो ये सेकेंड टाइप है, लेकिन है ये किसका, प्रोटेक्टिव टिश्यू का ही है। ठीक है, तो प्रोटेक्टिव टिश्यू के सेकंड टाइप के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, कॉर्क के बारे में। इट इज जो फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम्स, ये लेटरल मेरिस्टेम की एक्टिविटी की वजह से बनता है, लेटरल जो मेरिस्टेम्स होते हैं उनकी एक्टिविटी से बनता है। इन ओल्डर स्टेम्स, किनके अंदर, ओल्डर स्टेम, ओल्डर स्टेम का मतलब हो गया जो पुराने तने हैं पौधे के। जैसे मान लो कोई पौधा, एक हाल ही में पौधे ने जन्म लिया है, जैसे हाल ही में पौधा पैदा हुआ है, अभी छोटा है, बढ़कर कितना हुआ है, तो वहां ये नहीं मिलते। जब पौधे के जो स्टेम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा पुराने हो जाते हैं, मतलब जब पौधा काफी बड़ा हो जाता है और काफी एज का हो जाता है, उसके बाद में पौधे के अंदर ये बनना शुरू होते हैं, वो भी लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल जो मेरिस्टेम है उसकी वजह से। तो अब हम बात करते हैं कॉर्क एज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू, और साथ में कॉर्क जो होता है वो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, इट इज वेरी लाइट, ये बहुत हल्का होता है एंड हाईली कंप्रेसिबल, और बहुत ही ज्यादा कंप्रेसिबल होता है। कंप्रेसिबल मतलब इसको दबाया जा सकता है, सिकोड़ा जा सकता है। ठीक है, इट डज नॉट कैच द फायर इजिली, और ये आसानी से आग नहीं पकड़ता। कॉर्क सेल्स हैव अ केमिकल, कॉर्क सेल्स के अंदर जो कॉर्क होता है टिश्यू, उसकी सेल होती है, उनके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ पाया जाता है कॉल्ड सुवेरिन, ये पदार्थ जो होता है सुवेरिन कहलाता है, ये विशेष प्रकार का पदार्थ होता है। दिस मेक द कॉर्क इम्पेरिवियस, इसकी वजह से, इसी पदार्थ की वजह से कॉर्क जो होते हैं पूरी तरीके से इम्पेरिवियस हो जाते हैं। इम्पेरिवियस का मतलब होता है इनके अंदर से किसी भी तरह का पानी गैस वगैरह पास नहीं हो सकती, पूरी तरीके से वाटर प्रूफ हो जाता है। अच्छा, या हम कह सकते हैं इम्पेरिवियल हो जाता है, इम परमिएबल हो जाता है। एक तो होता है परमिएबल, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन के बारे में जैसे हमने पढ़ा होगा, परमिएबल सेल मेम्ब्रेन वो होती है जो अपने अंदर से मटेरियल का एक्सचेंज होने देती है। इम्परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन होती है जो अपने अंदर से मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होने देती। तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो इम्परमिएबल के बारे में बात कर रहा हूँ, इम्पेरिवियस के बारे में बात कर रहा हूँ। इम्पेरिवियस का क्या होता है, इम्पेरिवियस, इम्पेरिवियस का मतलब होता है ऐसी लेयर जो अपने अंदर से किसी भी तरह के मटेरियल को, गैस यहाँ तक कि वाटर को भी पास ना होने दे। तो ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होता है, किसके प्रति, गैसेस के प्रति और वाटर के प्रति। ठीक है, अच्छा, कॉर्क सर्व टू प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग बॉडी टिश्यू, कॉर्क क्या होता है कि जो अंदर मौजूद, इसकी लेयर ऊपर होती है, उससे नीचे लेयर में जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनको सुरक्षा करने में ये मदद करता है। कौन, कॉर्क। कॉमर्शियली अगर देखा जाए, कॉमर्शियली का मतलब होता है व्यापार के रूप से, अगर देखा जाए व्यापार में कैसे इसका प्रयोग कर रहे हैं लोग, इसका ट्रेड भी करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल चीजें भी कुछ बनाई जाती हैं। कॉर्क यूज फॉर द इंसुलेशन, इंसुलेशन के लिए कॉर्क का यूज होता है, इंसुलेशन। इट इज अ वाटर प्रूफ, क्यों होता है इंसुलेशन के लिए, क्योंकि ये वाटर प्रूफ है, मतलब कॉर्क से कुछ ऐसी चीजें बनाई जाती हैं जहां हमें जरूरत होती है कि ऐसी लेयर की जरूरत होती है जो कि जिससे होकर के पानी पास ना हो सके, गैस भी पास ना हो सके, तो वहां पर कॉर्क का यूज करके उस लेयर को बनाया जाता है। ठीक है, कॉर्क इज यूज फॉर द इंसुलेशन, इट इज अ वाटर प्रूफ, और ये पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होता है।
इट इज ऑल्सो यूज्ड एज द शॉक ऑब्जर्वर। शॉक मतलब होते हैं झटके। तो जैसे बाहर से कोई शॉक अगर आता है, झटका आता है, तो उसको पूरी तरीके से ये ऑब्जर्व कर लेता है। इसकी वजह से ये प्लांट के स्टेम को बहुत ही बड़ा एक प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बिल्डिंग में भी आजकल जो भूकंप रोधी बिल्डिंग होती है उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए शॉक ऑब्जर्वर लगाया जाता है। इसी तरीके से नेचर ने भी प्लांट के अंदर शॉक ऑब्जर्वर लगाया है। शॉक शॉक का मतलब होता है झटका। तो झटके को खत्म करने के लिए, उसका प्रभाव खत्म करने के लिए कॉर्क एक एक्टिव शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करते हैं। ये पूरी तरीके से झटके को खत्म करने में, झटके के प्रभाव को कम करने में ये काम करते हैं। कौन काम करते हैं? कॉर्क। तो अभी हमने प्रोटेक्टिव टिश्यू के टू टाइप्स थे उनको हमने डिटेल में पढ़ा, ठीक है, और ये समझा किस तरीके से काम करते हैं, उनका क्या काम होता है प्लांट के अंदर और कहाँ ये पाए जाते हैं। अब इस टॉपिक को जो आपने पढ़ा हुआ है, ढंग से आपने पढ़ लिया, इस टॉपिक को प्लीज प्लीज जरूर रिवाइज करें, मतलब वीडियो को टू टाइम्स जरूर देखें। जैसे मान लो कि आपने इस वीडियो को शाम को देखा, तो आप जरूर सुबह उठ करके इस वीडियो को एक बार और देखें, और साथ ही में जो भी लिखा है इसमें वो नोट भी करें, जिससे कि आपको अच्छे तरीके से याद हो सके, ठीक है। तो अभी हम कुछ बर्ड मीनिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, द्विवेदी एकेडमी में। थैंक यू।